आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का आखिरी वीडियो सामने आया है। इस हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि हादसे से ठीक पहले सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को इस क्षेत्र में घूमने आए कुछ सैलानियों ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ पलों के लिए हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है और फिर अचानक कोहरे की चादर में खो जाता है और उसके कुछ ही सेकंड बाद हेलीकॉप्टर क्रैश होने की तेज आवाज भी सुनाई दे रही है। जिन सैलानियों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया वो स्थानीय भाषा में बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो आपस में बात कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर है, वो गिर गया क्या, देखिए। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के ऐसे ही कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और जय भारत टीवी इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता है। जय भारत टीवी के लिए हेमभट्ट की रिपोर्ट।